वॉर्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक मैथ्स अड्डा. दिस इज़ विनय पांडे हियर अगेन. टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का नेक्स्ट वीडियो. आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं. वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि लिमिट पॉइंट से लेकर के एडेरेंट पॉइंट तक ये सारे जो डेफिनेशंस हैं आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी क्योंकि रियल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. नेबरहुड से लेकर के ओपन सेट, इंटीरियर वगैरह हम पहले के प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं. उससे आगे स्टार्ट करते हैं. जो लिमिट पॉइंट है उस लिमिट पॉइंट की दो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं. हालांकि अगर ये दोनों डेफिनेशन को देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस दोनों डेफिनेशन में नहीं है. पहले डेफिनेशन को समझते हैं, उससे से आपको सेकेंड डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी. अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर. एक पॉइंट पी हमने रियल नंबर का कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट एस ऑफ आर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी हैज अ पॉइंट ऑफ एस अदर देन पी. डेफिनेशन के वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी पहले दोबारा से मैं इसके स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. कोई भी एक पॉइंट पी रियल नंबर का लेना है हमको और चेक करना है कि क्या ये पॉइंट एक सेट आपको एस दिया जाएगा, क्या ये सेट एस के लिए ये पॉइंट पी लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि पी का जो नेबरहुड होना चाहिए वो नेबरहुड क्या होना चाहिए एस का, कम से कम एक पॉइंट और कंटेन करे, लेकिन वो पॉइंट जो होना चाहिए पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होना चाहिए. जैसे हम इसको समझते हैं, ये जो एस है एस की जगह पे मैंने ले लिया 2.3, और अब आपसे कहा जाए कि पी की वैल्यू दे दी 2.4. आपसे कहा जाए कि चेक वेदर दिस पॉइंट पी इक्वल टू 2.4 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस और नॉट. चेक करना है कि क्या ये पॉइंट एस का नेबरहुड लिमिट पॉइंट है या नहीं है. अगर नंबर लाइन के थ्रू हम इसको समझें तो ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 3 हो गया, ये पॉइंट हो गया 2.4. 2.4 को कंटेन करने वाला, 2.4 का नेबरहुड लेना है हमको. तो 2.4 का नेबरहुड क्या हो सकता है, इसको कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स होंगे, इस पॉइंट को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स होंगे वो इसके लिए नेबरहुड का काम तो करेंगे ही करेंगे. तो मैंने सपोज ले लिया 2.3 से 2.5. अब ये जो 2.3 से 2.5 हमने इसका नेबरहुड लिया है, किसका, पी का. 2.4 का नेबरहुड है, क्यों है, क्योंकि 2.4 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल है एंड ओपन इंटरवल इज ऑलवेज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हमने पहले के वीडियोस में देखा हुआ है. तो ये जो 2.4 के लिए ये सेट नेबरहुड का काम कर रहा है, और अगर ये नेबरहुड का काम कर रहा है तो उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि ये जो नेबरहुड आपने लिया है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट किसका होना चाहिए, इसके अंदर का होना चाहिए. आप देखिए 2.3 और 2.5 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स और आएंगे, इन्फाइनेट पॉइंट्स आएंगे. जैसे 2.31, क्या ये 2.31 इसमें लाया कर रहा है, ऑब्वियसली लाया कर रहा है. तो 2.31 इसके अंदर लाया कर रहा है जो 2.4 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है. तो ये जो 2.4 हमने ये पॉइंट लिया था, ये इसका क्या हो जाएगा, इस सेट एस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा. फिर दोबारा से इसको और समझिए डिटेल में. जैसे मैं इसका पी पॉइंट को चेंज करके सपोज मैं ले लूँ 8, क्या ये 8 इसका लिमिट पॉइंट है. तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने इसका एक नेबरहुड ले लिया. नेबरहुड क्या हो सकता है इसका, जैसे मैंने ले लिया ओपन इंटरवल 7.9 ले लिया. आप देखिए जो ये इसका नेबरहुड हमने लिया है, क्या ये नेबरहुड इस एस का कोई भी एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट इस इंटरवल का, कोई भी एक पॉइंट इसके अंदर, टू ये जो 2.3 हमने इंटरवल लिया था इसका कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं आ रहा है. और अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स 8 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस. तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पी को हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट, किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब पी को कंटेन करने वाला जो भी हमने नेबरहुड लिया है एन, ये एन एस का कम से कम एक पॉइंट और कंटेन करे, और वो पॉइंट जो होना चाहिए वो पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होना चाहिए. अगर इसको मैथमेटिकली हम
इसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करें या फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये जो n है और ये जो s है, s तो वो सेट है जो हमने चेक करना है कि ये सेट जो है इस, ये जो पॉइंट है इसके लिए लिमिट पॉइंट है या नहीं है, वो सेट है s। n क्या है, नेबरहुड है किसका, p का। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, समझिए आप इसको, दिमाग लगाइए इस डेफिनेशन से। हमको लिमिट पॉइंट में ये समझना है कि किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट हम तभी कहेंगे जब वो पॉइंट का जो नेबरहुड होगा वो नेबरहुड किस एस के कम से कम एक पॉइंट को और कंटेन करे, लेकिन वो पॉइंट पी नहीं होना चाहिए, यानी कि पी को हटा देना है हमको। पी को हटाने के बाद जो हमने नेबरहुड लिया था किसका, पी का, उसमें और एस में कम से कम एक पॉइंट और कॉमन आना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू फाइव। बस ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। किसी भी पॉइंट पी को एस का लिमिट पॉइंट हम तभी कहेंगे जब एस और एन में कम से कम एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, किसको छोड़ करके, पी को छोड़ करके। अब क्योंकि अगर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है तो रियल नंबर्स में आपको पता है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स, हम कोई भी दो नंबर्स की बात करें तो उनके बीच में इन्फाइनेट रियल नंबर्स होते हैं। तो ये डेफिनेशन से, यहाँ डेफिनेशन ये कन्वर्ट हो गई है, ये डेफिनेशन आपको रियल एनालिसिस के लिए ही याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट पी को चेक करना है कि क्या वो एस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो मैंने तो यहाँ पे आपसे बोला कि कम से कम वो एक पॉइंट को और कंटेन करे, किसके, एस के, कौन, नेबरहुड। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इन्फाइनेटली, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनेट नंबर्स होते हैं, तो अगर वो एक पॉइंट को भी कंटेन कर गया तो इट मीन्स वो इन्फाइनेट नंबर्स को कंटेन कर गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो 2.4 हमने नेबरहुड दिया था, ये सेट जो है एस के बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, बहुत सारे मीन्स इन्फाइनेट पॉइंट्स को। तो या तो एक पॉइंट कॉमन आया, और एक पॉइंट अगर कॉमन आ गया तो इन्फाइनेट पॉइंट्स तो कॉमन आने आने हैं। मेन जो डेफिनेशन है वो आपको फर्स्ट डेफिनेशन पे फोकस करना है। सेकंड डेफिनेशन अगर आप नहीं भी याद रखते हैं, क्योंकि इससे ये डेफिनेशन कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे एक वर्ड इन्फाइनेट आ गया है, बस इससे ये डेफिनेशन कन्वर्ट हुई है, आपको सिर्फ डेफिनेशन वन पे फोकस करना है। फिर दोबारा से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पी को हमने एस का लिमिट पॉइंट कब कहा था, जब पी का कोई भी हमने नेबरहुड लिया तो पी और सॉरी एन और एस में पी को छोड़ करके कम से कम एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, यानी कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बस ये आपको याद रखना है, किसके लिए, लिमिट पॉइंट के लिए। बात हो गई लिमिट पॉइंट की, अब बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट का काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पी एस का लिमिट पॉइंट कब था जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर अ पॉइंट पी एस सेट टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एस। बस पहली ही डेफिनेशन से सेकेंड डेफिनेशन भी कन्वर्ट हो जा रही है कि अगर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट का काम नहीं कर रहा है तो फिर वो कैसा पॉइंट हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन याद आपको हो जाएगी। आते हैं थर्ड में, डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है, डिराइव्ड सेट को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं एस डैश से। इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो लिमिट पॉइंट का काम करेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ एस। कहने का मतलब यह है कि एस, जैसे हमने यहाँ पे पी को चेक किया कि क्या वो एस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो एस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स आ रहे थे वो सारे लिमिट पॉइंट का हमने कलेक्शन बनाया। एस जो सेट था उसके लिए जितने लिमिट पॉइंट्स हमको मिल रहे थे उन सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बनाया, उसी लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट भी लिमिट पॉइंट से बना हुआ है, सारी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट से बनते हुए जा रही है। और बात करते हैं लास्ट जो है एडेरेंट पॉइंट। एडेरेंट पॉइंट क्या है, एडेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन में इसी के साथ साथ यहां पर लिख दे रहा हूं, एडेरेंट पॉइंट। एडेरेंट पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो टर्म हमने लिखा था ये हट जाएगा, यानी कि अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी एन एडेरेंट पॉइंट, एन एडेरेंट पॉइंट ऑफ
a subset S of R if every neighborhood of P has a point of S. आप देखिए दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है. लास्ट के जो वर्ड्स मैंने लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर हटा दिए हैं. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिया था, मैंने फॉर्मूले में कैसे एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पॉइंट पी को एस का लिमिट पॉइंट हम कब कहेंगे, जब पी का जो नेबरहुड होगा उसमें और एस में कम से कम एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, किसको छोड़ करके, पी को छोड़ करके. अगर सपोज हमने एडहेरेंट पॉइंट चेक करना है, किसके लिए हमको चेक करना है कि क्या पी एस के लिए एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं, तो पी का जो नेबरहुड होगा उसमें और एस में कम से कम एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए. वो हो सकता है पी, अगर दोनों में कॉमन पी आ रहा है तो तब भी वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है तो वो एडहेरेंट पॉइंट तो अपने आप ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे एन और एस में सिर्फ पी कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट पी कॉमन आ रहा है तो एडहेरेंट पॉइंट होगा लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट में पी के अलावा कोई एक पॉइंट और कॉमन आना चाहिए. तो ये डिफरेंस है कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडहेरेंट पॉइंट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि कोई भी एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, किसमें, लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में. अब जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, हमसे कहा जाए कि फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स या फाइंड द डिराइव्ड सेट फॉर फाइंड द डिराइव्ड सेट फॉर कोई भी एक इंटरवल अगर हम ले लें और उस इंटरवल्स के लिए जैसे वन कॉमा इन्फिनिटी का इंटरवल ले लिया, इस इंटरवल के लिए हमको क्या करना है, इसका डिराइव्ड सेट निकालना है. तो डिराइव्ड सेट क्या था, डिराइव्ड सेट एक ऐसा सेट था जो इस सेट के हर एक लिमिट पॉइंट को, मतलब इस सेट के जितने लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हुआ उसी को हम इसका डिराइव्ड सेट बोल रहे थे. तो अगर मुझसे कहा जाए कि क्या वन इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो वन को कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल अगर मैं लूँ, वन माइनस एप्सिलॉन, वन प्लस एप्सिलॉन, ये वन का नेबरहुड हो गया. और वन का जो नेबरहुड मैंने लिया है ये इन्फिनिटी, सपोज वन का नेबरहुड ये होगा. अब आप देखिए जो वन का मैंने नेबरहुड लिया है क्या वो इस इंटरवल का कम से कम एक पॉइंट और कंटेन कर रहा है जो वन के अलावा हो, अदर देन वन हो. देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वन इसका लिमिट पॉइंट हो गया. क्या जीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका नेबरहुड हम देखेंगे तो वो इस इंटरवल के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है. तो इट मीन्स लिमिट पॉइंट को उस सेट के अंदर होना जरूरी हो जाता है. फिर अब आप देखिए क्या टू इसका लिमिट पॉइंट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसके अंदर के जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स का जब हम नेबरहुड देखेंगे तो वो नेबरहुड इस सेट के कम से कम एक पॉइंट को तो कंटेन करेगा ही करेगा. तो इसका अगर मैं डिराइव्ड सेट निकालता हूँ तो वन कॉमा इन्फिनिटी का डिराइव्ड सेट को हम डैश से डिनोट कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा, वन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वन भी आ रहा है वन से लेके इन्फिनिटी, ये डिराइव्ड सेट हो गया इसका. अब आप देखिए जैसे मुझसे कहा जाए कि 2,3 का डिराइव्ड सेट निकालो तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ऑफ 2,3. तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बुक्स में मिलेंगे, आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें. और ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पे काफ़ी फोकस करना है आपको. और सीक्वेंस में स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखें रियल एनालिसिस की. जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा.